संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के साथ संघर्ष करने का काम किया था। बहुत लंबे समय तक चौधरी देवीलाल जी के साथ रह करके उस वक्त की युवा अवस्था में जब वो थे, उन्होंने युवाओं में अपना एक संदेश छोड़ने का काम किया था। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व में रहे मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर श्री केसी त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आकर के आज लाखों लोग जो हरियाणा प्रदेश से आए हैं, जो कहीं ये संदेश देने आए हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, अनुरोध करूंगा कि केसी त्यागी जी आए और आकर के आपको संबोधित करें। श्री केसी त्यागी जी, चौधरी देवीलाल जी को याद करते हुए मंच पे उपस्थित देश के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व, मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण और आज की सभा में बेशुमार संख्या में उपस्थित हुए साथियों, भाई अभय सिंह जी ने याद दिलाया कि चौधरी देवीलाल जी के साथ हम लंबे समय तक कार्यरत रहे। जब जब भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, हर लड़ाई में उनके साथ थे। और मुझको तो ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि जब 1982 में बेईमानी के साथ भजनलाल को शपथ दिलाई गई थी, तो बड़े बादल साहब की रहनुमाई में चंडीगढ़ में जो विरोध सभा हुई थी, उसमें 150 लोगों को गिरफ्तार करके चंडीगढ़ जेल भेजा गया था और जेल जाने वालों में एक आदमी मैं भी था, मेरा सबका रिश्ता उनसे। साथियों, बहुत विस्तार से नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार से आए हुए हैं, हम सब लोग उनको सुनने भी आए हैं। चूँकि जब जब भी क्रांतियां होती हैं, या तो वो हरियाणा से शुरू होती हैं या बिहार से शुरू होती हैं, और जब आज़ादी से पहले की जो लड़ाइयाँ थी वो महाराष्ट्र से शुरू होती हैं, पवार साहब के इलाके से शुरू होती थी। तो आज एक देश के परिवर्तन का दिन भी है। हिंदुस्तान के 8 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें आपका पड़ोसी राज्य पंजाब भी शामिल है। तो जब ये दौर चल रहा हो दिल्ली के दरबार को नतमस्तक करने का, जब होड़ लगी हो कि कौन जाकर के अपने पापों को छुपाने के लिए दिल्ली के दरबार में जाएगा, तब एक नेता ऐसा है कि दिल्ली के दरबार को चुनौती देने के लिए आपके बीच में पटना से चल करके भी आया है। 8 मुख्यमंत्री, यहाँ का भी हिस्सा, पड़ोसी राज्य का भी, कोई बचा नहीं देश के अंदर। लेकिन जब ना वीसा का डर हो, ना ईडी का डर हो, ना सीबीआई का डर हो, तब ऐसा भी एक बिरला मुख्यमंत्री था जिसने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। और देवीलाल जी से हमारे रिश्ते कोई पद प्रतिष्ठा के नहीं थे। जब जब भी चुनाव हुआ, चौधरी ओम प्रकाश जी ने जब भी, जिस दिन भी, जिस लम्हे में भी चाह, नीतीश कुमार जी कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे और बुरे दिन दोनों में रहे। देश का गृह मंत्री जाकर के नीतीश कुमार जी के बारे में बयान देता है कि देवीलाल जी को छोड़ दिया। देवीलाल जी और उनके परिवार की सारी पुस्तें, 7 की 7 पुस्तों के साथ जो नीतीश कुमार जी का रिश्ता है, छोड़ने की बात छोड़िए, जब कोई भी नहीं था, जब अपने भी छोड़ के जा रहे थे, तब हम और नीतीश कुमार जी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ। हम कोई सत्ता के लिए, लोभ लालच के लिए नहीं, देवीलाल जी ने हम सब लोगों को आगे बढ़ाया।
आधी मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम प्रकाश जी गवाह हैं, जब टिकट बट रहे थे जनता दल के, तो मैं गाजियाबाद से पहले चुनाव लड़ चुका था चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में। कुछ लोगों ने, पार्टी के नेताओं ने मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम मेरे मुकाबले चला दिया और तय हो गया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे। देवीलाल जी के पास में गया चौधरी साहब के, उन्होंने कहा कि मैंने तो पार्टी तेरे जैसे छोरों के लिए बनाई है, उसको लड़ना जाके अनंतनाग में लड़े, तो हम तो सात पीढ़ियों तक भी नहीं सोच सकते कि इस परिवार से कभी अलग हो जाए। चौधरी देवीलाल जी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद का टिकट काट करके पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे और हमें टिकट दिया और हमें लोकसभा में पहुंचाया। क्या इसके बाद भी हम अलग हो सकते हैं? इसलिए जो आज हवा परिवर्तन की चली है, ये कोई विपक्षी एकता की बैठक नहीं है और नीतीश कुमार जी को पहली बार नहीं आए हैं, ये पांचवा छठा दौर है उनका जब वो देवीलाल जी के लिए अपने श्रद्धा सुमन लेके आते हैं। लेकिन आज से देश की राजनीति में विपक्षी दलों के इकट्ठा होने की शुरुआत का दिन जरूर है। कभी 1986 में जींद में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की मेहनत से एक रैली हुई थी जींद में, और उसके बाद दिल्ली भी बदल गई थी और चंडीगढ़ भी बदल गया था। इसलिए आज की रैली को उसी तरह के बड़े परिवर्तन की आठ समझ करके आप सब लोग यहाँ से प्रसन्न होकर के जाएं और चौधरी देवीलाल जी का जो सपना था किसानों के हाथ में राज आए, किसानों के देश के सबसे बड़े नेता शरद पवार जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज का ये सम्मेलन ये भी प्रस्ताव पास करे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके लिए कानून बने, और जो सरकार दिल्ली की कानून नहीं बनाती उसको उखाड़ के फेंकने का भी काम करें। ये भी मैं शरद पवार जी से कहना चाहता हूँ, ये देश के कृषि मंत्री रहे, इसके बाद चौधरी देवीलाल जी रहे और उसके बाद नीतीश कुमार जी कृषि मंत्री रहे। लिहाजा एक किसानों का मंच है, चौधरी ओम प्रकाश जी देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में हैं, ये प्रस्ताव भी लेकर के यहाँ से जाएं। अभय सिंह चौटाला जी इसी नाम पर, इसी कार्यक्रम पर यहाँ से चुनाव लड़ के दोबारा जीत के गए थे। लिहाजा MSP की गारंटी दो वरना गद्दी छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद।